दरबार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। राम राम सा खम्मा गणी। सुबह के बजे हैं 6:30। सब लोग नाग रेडी है, सिर्फ एक दक्षा बाकी है, उसको उठाना है। और हाँ, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। आज हम लोग जिस मंदिर में जा रहे हैं, उस मंदिर की कहानी बड़ी जबरदस्त है। और ये मंदिर की जो कहानी है, वो एक ताने के पीछे, किसी को एक ताना मिला था उसके पीछे की कहानी है। अच्छा, हेलो हेलो, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमती जा, लारे नहीं, ऊपर खड़ी जा। अरे अरे ये तो मारे। अरे तू फिरती रही है ना ही भी आंखें तरफ लिखो। दूचे मारे, दूचा दूचा दूध दूचा दूध दूध चाय। अरे तारा कौन कली एक गिलास पहला ना ले जा, बिना नया दूध सा। मुझे ऐसे लग रहा है कि ऊपर जाके वापस सो गई, उठेगी नहीं, उसे उठाना पड़ेगा जबरदस्ती। ये सो रही है। अरे भगवान देख, दक्षा और इनु उठ उठ खड़ी हो, अभी सोगी नहीं दक्षा, तो बच्चे दे दो ना। पिछुं, 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 पिछुं। भाई 15 मिनट से गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे, गाड़ी की चाबी नहीं मिली, गाड़ी की चाबी चाबी सारी जगह देख ली, गाड़ी की चाबी गाड़ी की चाबी। रात में गाड़ी लॉक करी, गाड़ी लॉक कर सीधी झगड़ा तभी मिल गई। Oh,
ये भंडा शाह जी का मंदिर 108 फुट ऊंचा है इसकी। चलो चलो देखो, चलो मिन किए दिए ये मंदिर का एंट्रेंस गेट। भंडा शाह जी श्री जैन श्वेतांबर मुनि नाथ जी का मंदिर। ये भंडा शाह जी का मंदिर। इस मंदिर की नींव 40,000 लीटर घी से भरी गई है, क्योंकि यहाँ के जो बनिए थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है वो काफ़ी कंजूस थे। चप्पल नीचे, चप्पल नीचे, देख संदीप दे। इस मंदिर में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का काम किया गया है। इस मंदिर के भीतर सजावट बहुत सुंदर और इसमें आरसी जो होती है आरसी का शानदार काम किया गया है। इस मंदिर के अंदर विभिन्न प्रकार की चित्र मूर्तियां भी बहुत दिलचस्प है। मंदिर के फर्श, छत, खंभे और दीवारें मूर्ति और चित्रकारी से सुसज्जित है। बहुत ही शानदार तरह जबरदस्त कलाकारी की गई है मंदिर में, जबरदस्त पेंटिंग, सब नेचुरल हाथ से बनी कलाकारी की गई है। और ये मंदिर तकरीबन 1468 में बना था। ये एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर ने बनाया था। और इस मंदिर के अंदर जो इस जैन मंदिर में पांचवें तीर्थंकर भगवान सुमति नाथ जी मूल वेदी पर विराजमान है। और इस मंदिर में जो पेंटिंग की गई है बड़ी आलिशान पेंटिंग की गई है। और ये सारी हाथ से नेचुरल पेंटिंग है, नेचुरल कलर है और अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। 1468 में बना ये मंदिर जिन्होंने भांडा शाह जी ने शुरू करवाया था और 1541 में उनकी पुत्री ने पूरा करवाया था इस मंदिर को। 108 फुट ऊंचे इस जैन मंदिर में बहुत ही शानदार वास्तुकला और मूर्तियाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें कलाकारी की गई है। ये मंदिर जब बनाया गया था तब बीकानेर में इस तरह की कलाकारी का ये एक पहला ही मंदिर है। इस मंदिर में पानी की जगह शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया गया था। इस मंदिर में जो सोने के वर्ग आते हैं वो 700 सोने के वर्ग इस्तेमाल किए गए हैं पेंटिंग के साथ में, ताकि चमक वैसी ही रहे। क्या मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत शानदार। चलो चलो, इतनी पेंटिंग, बहुत शानदार पेंटिंग है। इस मंदिर की कहानी ये है कि इस मंदिर में जब ये मंदिर बनाया गया था तब एक जैन जो बनी होते हैं उन्होंने बनाया था शायद। तो जब वो मंदिर की नींव की खुदाई कर रहे थे तब एक घी की बूंद जो है वो नींव में चली गई थी। तो जो वो सेठ थे उन्होंने वो घी की बूंद उठाकर अपने जूतों में लगा ली थी, जूतियों में। तो कारीगरों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा कंजूस आदमी है, ये कैसे ये मंदिर बनाएगा। तो उन्होंने परीक्षा ली, उन्होंने कहा कि सेठ जी अगर इस मंदिर की नींव को घी से भरा जाए तो ये मंदिर सालों साल तक खड़ा रहेगा। तो सेठ जी ने दूसरे दिन हजारों लीटर घी मंगवा लिया था गांव से। और सुबह देखा तो कारीगरों ने कहा भाई ये घी इतना सारा। तो सेठ जी ने कहा आपने ही कहा था। तो कारीगरों को गलती का एहसास होने का, हमने तो आपकी परीक्षा ली थी, ये घी वापस ले जाओ। तो सेठ ने कहा कि अब जो घी जिस काम के लिए आया है वो वहीं लगेगा। तो इस मंदिर की नींव जो है वो 40,000 लीटर घी से भरी गई है। ये पेंटिंग वहीं की है, कैमरे लगे हुए हैं सारे। बीकानेर में इतना शानदार मंदिर, इसमें सारी और सारी हिंदू कला है सही, पेंटिंग हाथ से पेंटिंग है ये सारी। और उस वक्त ये कम तकरीबन 650 साल पुरानी होगी।
नेचुरल कलर है सारे नेचुरल कलर। देख ए मन लाग रही है, मन लाग रही है, अब कल जाए ए बोर्ड को बूट ही नहीं। आ देख देख पगों क्या करे।